तैयार करा दिया। की प्रत्याशी ऋतु चौधरी आज हम उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं। आज उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है, आइए उनकी जवानी सुनना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं ऋतु चौधरी वार्ड 35 से। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो मेन समस्याएं हैं वो सड़कों की समस्याएं हैं और सीवर की प्रॉब्लम है यहाँ पे। सीवर के अलावा बाकी सड़कों के अलावा आपका सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जैसे कि गरीबों का है, गरीब अपने घरों में सामुदायिक विवाह नहीं कर पाते हैं। तो हमने जो प्लान किया है वो यही किया, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे मीठे पानी की है और सड़कों की है कि सबसे पहले हम सड़कों का निवास करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, उसके बाद हम मीठा पानी लेकर आएंगे, सीवर की इंटरलॉकिंग करवाएंगे, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। जो पुराने पार्षद थे उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए वो, और उससे पहले भी रहे, मतलब 15-20 साल 25 साल हो गए हैं यहाँ पे पार्षद बने हुए, 5-5 साल के उसमें 4-5 पार्षद बन चुके हैं अभी तक, और किसी ने भी कॉलोनी को देखते हुए उस तरीके से सुधार नहीं हुआ है जितनी पुरानी ये कॉलोनी है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है, जो जनता की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पानी भर जाता है बारिश में, तो निकलने के लिए रास्ते नहीं है। मोस्टली 80-90% यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं जिन्हें हमें बनवाना है। प्लस पानी की जो समस्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग बोतलें भर भर के लेकर आते हैं पानी पीने के लिए, किसी के पास पानी उतना अच्छा नहीं है, 10 रुपये में आपको भी पता बिस्लरी की बोतल नहीं मिलती, वो उतना क्लियर पानी नहीं है। तो हम पानी का जो मीठा पानी है घर घर लगवाएंगे ताकि एक पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो सुधर सके यहाँ पे। उसके अलावा सड़कों का है, सामुदायिक भवन का, जैसे मैंने आपको बताया कि गरीबों के लिए सामुदायिक भवन का भी हमने प्लान किया है कि सामुदायिक भवन हम यहाँ पर बनवा पाए। बच्चों के लिए पार्क की समस्या है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतनी बड़ा स्पेस नहीं है कि वो कहाँ पे खेल पाएंगे या कहाँ पे जा पाएंगे। तो बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, जो गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो उनको भी एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पार्क का है, तो पार्क की समस्या भी यहाँ पे बहुत बड़ी है कि आसपास में पूरी कॉलोनी के अंदर कहीं पार्क नहीं है जहाँ पे लोग घूम सके या आ जा सके। तो पार्क का भी हमने सोचा है कि आने वाले टाइम में अगर बनते हैं या लोगों का प्यार या अच्छा, एक महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में यहाँ पर ये सब ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि घर से बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती, लेट नाइट घर से जा नहीं सकती, तो यहाँ वो भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए भी हमने प्लान किया है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि यहाँ पे जो जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए भी सेम प्रॉब्लम है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं या घर से बाहर नहीं जा सकती, तो एक पुलिस चौकी का भी आसपास में हमारे नियर बाई एरिया के पास होना चाहिए ताकि महिलाएं हमारी तरह फील कर सकें। बिकॉज मैं भी एक महिला हूँ तो मैं भी फील नहीं करती सुरक्षित कॉलोनी को देखते हुए, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो बाकी महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित अपने आप को फील करें। उसी के लिए पुलिस चौकी का भी हमने सोचा है कि आने वाले टाइम में पुलिस चौकी का भी। अच्छा, हमने जनता से बहुत सारे सवाल किए थे, तो जनता के अक्सर ये मुद्दे होते हैं कि विकास को लेके, विकास जैसे कि एक जो वृद्धा पेंशन होती है, 60 साल वाली वृद्धा पेंशन होती है और एक विधवा पेंशन होती है, ठीक है, इसको लेके भी बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि उनका कोई काम नहीं करवा पाता। जो पुराने पार्षद थे बहुत लोग जाते हैं, यहाँ राशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो कोटा है एक कोटा है और राशन कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, 35% लोगों के पे हैं, 65% पे नहीं है, तो वो भी एक मुद्दा है। तो ये सब मुद्दे बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे राशन कार्ड की प्रॉब्लम है कि जनता यहाँ पे अगर आप देखोगे वोटिंग 16,700 कुछ है लेकिन जनता 5 लाख प्लस है पूरी कॉलोनी के अंदर। तो जिस तरीके से राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी यहाँ 50-40% लोगों के पास है, 60% जनता के पास राशन कार्ड है ही नहीं। उसमें क्या है कि जो पुराने पार्षद बने हैं, जो उनके नॉन थे, उनके राशन कार्ड बनवाए, जो जिन लोगों को राशन कार्ड के एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उन्हें नहीं मिले हैं। तो हमारा यही मोटिव है कि आने वाले टाइम में हम गरीबों को राशन कार्ड की व्यवस्था भी करवाएंगे ताकि उन्हें टाइम से राशन मिल पाए। और एक जगह जैसे एक ही कोटा है, बहुत सारी जनता है, काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ 2-3 कोठे और होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें जैसे कि हमारा जो वार्ड 35 है काफ़ी बड़ा वार्ड है, तो एक कोटे से काम नहीं चलेगा, हम 2-3 उसका प्लान कर रहे हैं कि स्पेस में जिस तरीके से डायरेक्शन है 3-4 का और अलग से करवा सके, तो जिस तरीके से जनता को प्रॉब्लम ना हो और आने वाले टाइम हो आसानी से राशन ले पाए। प्लस जैसे आपने बताया कि पेंशन की प्रॉब्लम है, हम लोग डोर टू डोर घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे को पेंशन नहीं मिलती। जो वृद्ध महिलाएं हैं, अम्मा जी हैं, उन्होंने बोला कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, तो हमने यही बोला है कि हम आप अपना आशीर्वाद दें, हमें अपना वोट दें, अपना समर्थन दें ताकि आने वाले टाइम में हम पेंशन की व्यवस्था कर पाए उनके लिए। 11 मई को, आगामी 11 मई को चुनाव है, 13 को घोषणा है, तो उसको लेके आज आपने जनसभा की हुई है, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी बच्चे आपके साथ हैं, आप सुबह से जनसभा को संबोधित कर रही हैं, तो आपको ये क्या फील हो रहा है, किस तरह? बेसिकली मेरे को सभी लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है और देखते हुए सभी लोगों का समर्थन भी है, तो मुझे यही लगता है कि हम जीत कर आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे।
देखो अभी आपने सुना रितु चौधरी की जुबानी है कि यंग हैं और युवा हैं, बहुत सारा जोश और जज्बा होता है, निष्पक्ष हैं और यहाँ की समस्याएं इन्होंने सुनी है और इनका जो मोटिव है वो चाहती हैं जीतने के बाद हम ये मुद्दे जो हैं जो जनता के प्रोटेक्शन के लिए हैं, जैसे विकास के मुद्दे हैं, उन्होंने अपनी जुबानी बताया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 13 मई को घोषणा के बाद सब सामने आ जाएगा। कैमरामैन बबलू शर्मा के साथ में नसीब खान गाजियाबाद। सभी भाइयों को नमस्कार, मीडिया भाई, मीडिया के जो मेरे भाई बंधु हैं इनको भी सबको नमस्कार। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा वार्ड जो है इन 100 वार्डों में सबसे डिफिकल्ट है। यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है और विकास के साथ साथ यहाँ बहुत सी ऐसे काम हैं जो ज़मीन तक नहीं आ पाते। 25 साल से हमारा वार्ड निगम में है और 25 साल से निगम में रहने के बावजूद भी हमारे वार्ड में पैदल निकलना मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ विकास हो, विकास के कार्य हों, जितनी योजनाएँ सरकार दे रही है उन वो ज़मीन तक आए। और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं मेरे भाई बंधु, ज़्यादातर लोग निम्न वर्ग से ही हैं। मध्यम वर्ग का तो यहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब है, बाकी 90% लोग निम्न वर्ग से हैं। तो इन सभी भाइयों को लाभ मिला है योजनाओं का। और मैंने यहाँ पिछली बार में इलेक्शन लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, 88 वोट से हार गया। हारने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे बहुत विकास के कार्य कराए, नोएडा की तरफ भी कराए, 35 गलियों का निर्माण मैंने इधर कराया, 32 गलियाँ प्रस्तावित भी हैं ये भी बनेंगी। मैं सभी लोगों से वादा कर रहा हूँ कि 32 की 32 गलियाँ बनेंगी अपने वार्ड की। और बहुत सारे काम हैं जो हमें कराने हैं, समुदाय भवन है, डिस्पेंसरी है, वृद्ध पेंशन है, मीठे पानी की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं। पार्षदों ने यहाँ जो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है और ना ही जनता के मरम को समझा है। लोग यहाँ जो जूते उतारने पड़ जाते हैं, पैंट भीग जाते हैं, घोंटू घोंटू पानी भर जाता है, बहुत बुरा हाल है। तो मैं यही बताऊँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लोगों को लाभ दिलवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को, शायद मेरे से सहानुभूति भी है, सभी वर्गों के लोग, हिंदू मुस्लिम, कोई किसी जाति का, कोई किसी बिरादरी का उससे मतलब नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोई जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, सब धर्म को, मैं समाजवाद की राजनीति करता हूँ, सभी समाज के लोगों को साथ रहता हूँ, दुख सुख में इनके साथ खड़ा रहता हूँ। बस मेरा यही कहना है कि रितु चौधरी को जिताएं, ये इसकी जीत आप लोगों की जीत होगी और ये जीत भगवान की कृपा ऐसी है कि सभी का प्यार मिल रहा है, ये जीत के भी आएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए अभी सत्येंद्र चौधरी की जुबानी सुना था, चौधरी के साथ आप सुभाष हैं, शिक्षित महिला है और महिला सशक्तिकरण की परिभाषा जानती है। ठाकुर सत्येंद्र सिंह पिछले 10 साल से समाज के साथ खड़े हुए हैं, सुख में दुख में हर पीड़ा में इन्होंने तन से मन से धन से साथ दिया है। कोविड के दौरान इन्होंने लगभग साइकिलें, जो विकलांगों की साइकिलें होती हैं, वो प्रस्ताव करके पास करवाई, लोगों में बंटवाई। कोविड के दौरान इन्होंने लोगों को राशन बंटवाया, जब लोग बाहर घर से नहीं निकल रहे थे, जान बचाते फिर रहे थे, इन्होंने घर घर राशन पहुँचाया। कई पीड़ित लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुँचाया। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 24/7 इनको फ़ोन करता है, तुरंत फ़ोन उठाते हैं, रिप्लाई करते हैं और जो भी इनसे व्यक्तिगत रूप से या पार्टी की तरफ से या सामाजिक रूप से किसी भी तरह से इनसे संबंध पड़ता है, ये पूरी तरह से करते हैं। रितु बहन जी जो हमारी हैं, इन्होंने इतने कम समय में इतना कार्य करा है, सभी लोगों के सुख दुख में खड़ी रही हैं, साथ दिया है, प्रत्येक व्यक्ति इनको नाम से इनके काम से जानता है। सभी लोग आज के समय में राजनीति कर रहे हैं, मगर रितु चौधरी बहन जी ने राजनीति करी है। राजनीति के दौरान इन्होंने एक एक वार्ड में जाके ऐसी ऐसी गलियों में घूमी है जहाँ पर हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसा कपड़ा मुंह पे रख कर ना वापस आ जाते हैं। ये उनके घर पे गई हैं, उनकी पीड़ा को समझा है, उनकी बातों को समझा है, उनकी समस्याओं को समझा है। ये पिछले 2.5-3 साल से लगातार धरातल पर बैठ के काम कर रही हैं। अभी जो 2 या 3 या 4 या 5 जो निगम पार्षद बने हैं, उन्होंने वोट लिया है और घर में बैठे हैं। मैं इससे आगे की परिभाषा नहीं कहूँगा क्योंकि समाज में सब लोग सुन रहे हैं और किसी को इस तरह से कहना भी नहीं चाहिए।
जीतने से पहले तो वो लोग घर घर आए, वादे करे, सब चीज़ें करी जो जो नेता करता है जीतने के लिए, लेकिन वोट जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा कि कॉलोनी में क्या हो रहा है, विकास की परिभाषा भी नहीं जानते, वो पहचानने से मना कर देते हैं। ऐसे ऐसे उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं अब से जो पहले जो रहे हैं, किसी पे भूमाफिया का लगा हुआ है, किसी पे नशाखोरी का लगा हुआ है, किसी पे तस्करी का लगा हुआ है, किसी पे कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे सत्येंद्र ठाकुर और बहन जी जो रितु चौधरी हैं बिल्कुल धरातल से जुड़कर, जैसे एक किसान धरती पर जाकर हल जोतता है ना किसान, तब जाकर अन्न पैदा होता है। ये जो जितनी पब्लिक दिख रही है आज आपको, लगभग मेरे ख्याल से 700 से 800 की पब्लिक है, जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, अपने सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर इनको पूर्ण रूप से विश्वास है, ये मन से भी चाहते हैं, ये पूरे मन से, तन से, धन से इनके साथ खड़े हुए हैं, जी जान से खड़े हुए हैं, सुबह नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, दोपहर नहीं देख रहे, कितनी धूप पड़ रही है, ये पब्लिक देख लो आपके सामने कितनी आई हुई है, 700 से 800 की पब्लिक को बिना किसी लालच के साथ में रखना, ये आपको खुद ही बता देता है कि इनका परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, आप आपने देखा कि 700-800 की तादाद में गैदरिंग थी जी, इतने अच्छे से, लगभग 1000 प्लस थे जी, और पूरा इनका मतलब समर्थन हम लोग करते हैं और हर तरीके से जीत के यहाँ हैं जी। अच्छा, ठाकुर सतेंद्र पाल सिंह तो काफ़ी पुराने को हम संबोधित करने आए थे, कैमरा पर्सन बबलू के साथ में नसीब खान, गाजियाबाद। क्या हुआ?